Hey in WhatsApp guys, TechBee is back with another video. So friend, आज की वीडियो में एक बहुत सा नीडफुल चीज का मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, जो कि आज के टाइम पे एक हमारा मोबाइल स्टैंड जो कि प्रोटोनिक्स के तरफ से आता है। मैं बेसिक से इसमें सारे इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, और इसमें दो तीन में अच्छे अच्छे बातें बताऊंगा आपको किस लिए इसको यूज करना चाहिए और क्या क्या इसका अच्छा अच्छा बेनिफिट्स है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। सो फ्रेंड्स, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मोबाइल स्टैंड का बॉक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। आपका अगर मैं कुछ यहाँ पे दिखाऊँ इसका की हाइलाइटेड फीचर्स, तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्मूथ एज, देन लिखा परफेक्ट एंगल 180 तक आपका ये स्टैंड आपको सपोर्ट कर जाता है, और लाइट वेट है और काफ़ी एंटी शील्ड डिज़ाइन भी। कुछ इस टाइप का आपका फ़ोन स्टैंड होगा जैसे कि आप देख रहे हो, और आसानी से आप चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं। मैं सब करके आपको दिखाऊंगा। और ये प्रोटोनिक्स कंपनी के से आता है, जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी है, स्टैंड वगैरह बनाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज आपने यूज़ भी किया होगा इससे पहले। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको 6 महीने का वारंटी भी मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर बात करूँ इसका प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 700 लिखा है, बट आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिल सकता है। मेरे को तो मैं कहूँगा मेरे को प्रोडक्ट फ्री में मिला है, बिकॉज मेरे को फ्लिपकार्ट की तरफ से गिफ्ट कार्ड मिला था, जो कि इस स्टैंड का प्राइस नॉर्मल आपका रहता है 100 to 150 के बीच में। मेरे को उतना गिफ्ट कार्ड मिल चुका था फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो मेरे को ये प्रोडक्ट मैंने गिफ्ट कार्ड के थ्रू बाय किया, तो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। आप भी अगर बाय करना चाहते हैं फॉर अपना ऑनलाइन क्लासेस एंड मीटिंग के लिए, आजकल ज़रूरी है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपको भी 100 से 150 के बीच में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मैं करता हूँ इसका अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटोनिक्स का आपका सिंबल मिल जा रहा है, जो कि अपडेटेड है। अब मैं कहूँगा आप सोच रहे होंगे बॉक्स अपडेट है और चेंज भी हम लोग हैं, यस, बिकॉज इससे पहले आपका रेड व्हाइट एंड ब्लैक के मिक्सचर में आता था, अब आपका ये जो बॉक्स है रेड एंड ब्लैक के में आ रहा है, तो ये लेटेस्ट पैकेजिंग है। मैं बॉक्स करता हूँ अनबॉक्स, देन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको मिल जाता है। नॉर्मली सब मैं ज़्यादा कुछ मिलने का भी नहीं, आपका नॉर्मल सा 100-150 का स्टैंड है। आपका एक प्लास्टिक के रैपर में रैप रहता है, मैं इसको निकाल देता हूँ साइड में रखते सामान को। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। सबसे अच्छी बात मैं इसको बताऊँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसका, यहाँ पे आपको स्पंज का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, जो कि आपके फ़ोन को एकदम स्टेबल लगता है, हिलता भी नहीं है। और ये आपका देखिए थोड़ा बैंड टाइप में, आपका फ़ोन मान लीजिए थोड़ा भारी भी होता है, बैंड टाइप में आपके सपोर्ट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पंज मिला हुआ है, जो कि आपके फ़ोन को अच्छे से स्टेबल कर देता है। और नीचे की तरफ भी यहाँ पे आप देख रहे हैं बबल्स टाइप में आपको स्पंज मिला है, जो कि आपके स्टैंड को एकदम अच्छे से स्टैंड कर देता है, जैसे कि हिलता भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसका नेक्स्ट कुछ और फीचर्स के बारे में, तो देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ रहता है इसका एज, कहीं भी आपको खुरदुरा सा लगेगा नहीं। हाँ, या पूरा आयरन बिल्ड है ये, बट आपको लगेगा ना, और ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं। ये वाला सर्कल के थ्रू आप अपना USB केबल निकाल के यहाँ से चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोटोनिक्स का ब्रांडिंग है, बहुत ही अच्छे सिल्वर कलर से लिखा हुआ है। तब मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ आपका जो फ़ोन है आप इसमें कैसे टिल्ट करेंगे, मतलब कैसे स्टैंड करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरा एक ये फ़ोन है, मैं सिंपली सा इसको यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप ये फ़ोन देख रहे हैं, ये मैंने स्टैंड कर दिया और काफ़ी अच्छे से स्टैंड हो जा रहा है। मैं बहुत दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हिल भी नहीं रहा फ़ोन, गिर भी नहीं रहा, बहुत ही अच्छे से स्टैंड हो जा रहा है। आप इस टाइप में भी रख सकते हैं, और अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं या अपना कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, दोनों एंगल में आप आराम से रख सकते हैं। और रही बात आपका ऑनलाइन क्लासेस एंड आजकल मीटिंग्स वगैरह हमारे बहुत चलती हैं, जूम पे हो गया, गूगल पे, एंड हमारा ज़्यादातर हमारे स्कूल के लिए, तो मैं बेटर कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद इसको 10-12 दिन यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और साथ ही अगर बताऊँ मैं इसका, एक और मस्त बेनिफिट मेरे को लगा कि आपकी जो है ना स्टडी लैम्प के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये मैंने इसका टॉर्च ऑन कर दिया फ़ोन का। अब जैसे कि मैंने खुद यूज़ किया इसको, आप रात के टाइम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा स्टडी लैम्प आ गया आपका, ये आपका लाइट फ्लैश आ रहा है, यहाँ पे अपना बुक वगैरह रखा, आप रीड आराम से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को, आप इसको बाय करके पक्का ट्राई करेगा एज अ स्टडी लैम्प के तौर पे, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। अब मैं बात करूँ इसको चार्जिंग का, तो चार्जिंग का जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं एक USB केबल ले लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सा आपको पोर्ट कर देना, जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे पोर्ट कर देना है, देन आपको यहाँ नीचे की तरफ से ये होल के थ्रू आपको निकाल लेना, देन आपको अपने सॉकेट में पुट कर लेना, तो ऐसा आपका फ़ोन स्टैंड भी रहेगा और आपका फ़ोन साथ में चार्जिंग भी होते रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स फुल रिव्यू स्टैंड का, मोबाइल स्टैंड का, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ इसको परचेस करना चाहिए हमारा मीटिंग्स वगैरह के लिए या हमारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, काफ़ी अच्छा स्टैंड है।
ज़्यादातर आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा स्टैंड है। एक और बार आप देख सकते हैं इसको ओवरव्यू, और बहुत ही स्मूथ एज है और बहुत ही ड्यूरेबल है। तो आशा करूँगा फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। साथ ही फ्रेंड्स लास्टली थैंक यू।